पीपीएस हॉस्पिटल को जो एम्बुलेंस दी गई है तो सचित है, ये हमारे मरीजों को काम आएगी और तो जिले के मरीज हैं उनको आगे रेफर करना, तो जो एम्बुलेंस की कमी थी उसकी पूर्ति होगी। इसके लिए मैं गठन का मेरी ओर से पीपीएस अस्पताल चूरू की ओर से और आर एम आर सोसाइटी है उसकी ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आगे भी इसी तरह से आपका सहयोग मेरे को प्राप्त होगा इसी आराम विश्वास के साथ पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद। देखिएगा जैसा कि आपने देखा पहले एक प्लांट था, अभी दो दिन पहले ऑक्सीजन प्लांट और लग गए हैं, आपातकालीन का नया वार्ड यहाँ प्रारंभ कर दिया, तीसरा ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ निकट भविष्य में जल्दी लग जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये जो डी बी एस अस्पताल है काफ़ी सुसज्जित हो जाएगा और बीच में हमारे जो ऑक्सीजन की कमी से इसमें वास्ता पड़ा था वो मैं समझता हूँ दूर होगी और जो तीसरी जो आ रही है बीमारी है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ, ये डेड ऑफ भर्ती अस्पताल उनके जो वंशज हैं पुत्र और उन वो अभी काम देख रहे हैं और उनकी माता जी की पुण्यस्मृति में माँ देवी भरतिया की पुण्यस्मृति में ये एम्बुलेंस दी गई है। यह वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है और इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उम्मीद है कि अच्छी मेंटेनेंस के चलते ये अस्पताल में बरसों तक अपना काम कर सकें। करीब 50-52 साल पहले यह अस्पताल बना था और उसके बाद में निरंतर सहयोग होता रहा है, जैसे टीबी अस्पताल बनना, इसी अस्पताल के अंदर ऊपर की विंग बनना, पीछे रेजिडेंशियल क्वार्टर बनना, उसके बाद में धर्मशाला जो सामने है उसको समर्पित करना, ये सब काम बराबर उनसे इस 50 वर्षों में होते रहेंगे। अभी जब यह कोरोना महामारी पड़ी तो उनसे कहा गया तो उन्होंने कहते ही तुरंत स्वीकार कर लिया कि एक एम्बुलेंस मैं जल्दी भेज रहा हूँ और आपको ताज्जुब होगा कि 10 दिन के अंदर ही एम्बुलेंस ऑर्डर देने के आज हमारे परिसर में मौजूद है। तो बराबर इनका सहयोग मिलता रहा है और हम यही आशा करते हैं कि आगे भी इतनी रुचि रखेंगे।